أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما हमारी आज की गुफ्तगू का उनवान है फलसफे द्वार। इस उनवान के तहत जिन मराहिल से हमें गुजरना होगा उनमें सबसे पहले मुकद्दमा, उसके बाद बुनियाद या फलसफे द्वार, तीसरा मरहला मफहूम द्वार लघवी और इस्तिलाही, चौथा मरहला फजीलत दुआ, पांचवा मरहला हुक्म दुआ यानी दुआ का हुक्म कुरान में हदीस में कहाँ आया है, और उसके बाद चंद शुबहात जो जहन में उभरते हैं शकूक की सूरत में उनके जवाब। हमारी गुफ्तगू का पहला मरहला यानी चंद मुकदमाती गुफ्तगू, मुकदमाती नुकात जिससे आपके जहन को आमादा किया जा सके इस मौजू की तरफ, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आजकल का ट्रेंड है कि जब तक गुफ्तगू में एडवेंचर, तजस्सुस, क्यूरियोसिटी ना पैदा की जाए उस वक्त तक कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स नहीं थे तो उस वक्त 9 बजे की खबरें बड़ी अहम हुआ करती थी, और जब 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स खुले तो न्यूज़ जो है वो एक आम सी बात हो गई। अब लोगों को न्यूज़ सुनवाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडिंग डाली जाती है। आप लोगों के जहन अगर मुंतशिर है तो शायद इस बहाने मुजतमा हो जाए कि हमारे पास 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह हमारी असल गुफ्तगू यानी फलसफा दुआ शुरू किया जाएगा। वैसे भी फलसफा दुआ देखने में बड़ा खुश्क और बोर मौसम लग रहा है, तो बेहतर यही है कि किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से इसकी इब्तिदा की जाए। पिछले दिनों एक ब्रेकिंग न्यूज़ वेबसाइट्स पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई कि लाहौर में एक शख्स ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ और बरतानिया की क्वीन के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया कि आप लोगों ने हमारा कोहिनूर हीरा चुरा लिया है, खुदारा वापस कर दीजिए। बहरहाल इस पर लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए, कोई हंसा, किसी ने दुआ दी, और कोई खामोश होकर पुरानी यादों में खो गया कि जो लोग बड़े सगीर पर कब्जा कर सकते हैं बिलाशुबा वो कोहिनूर पे भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जो नुक्ता इस खबर में है वो ये कि क्या हमारी इकदार, हमारा मर्तबा बहैसियत पाकिस्तानी इस काबिल है कि हम बरतानिया से कुछ मांग सकें। कर्जे मांगने से तो हमें फुर्सत नहीं, हाथ फैलाने से तो हमें फुर्सत नहीं। अरे आपको मांगना है तो पहले कश्मीर मांगिए, साबित कीजिए कश्मीर आपका अटूट अंग है, साबित कीजिए कि यहाँ पर रहने वालों की आपने खिदमत कर ली, अब मजीद लोगों को बुलाने के लिए आप तैयार हैं। बिहारी कैंप में सड़ने वाले बिहारियों को, महाजरीन को पहले अपना बनाइए, फिर लोग कश्मीर आपके हवाले करेंगे। चाइना को 1997 में हांगकांग मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि बरतानिया ने प्लेट में रखकर हांगकांग दे दिया चाइना को। इससे पहले कि वो मांगता, धमकी देता, तंबीह करता, कुछ इकदाम करता, बरतानिया पहले ही भाग गया।
तो पहले अपने आप को इस तरह मजबूत बनाइए कि जैसे चाइना ने अपने आप को मजबूत बनाया और अपना मकबूजा हांगकांग मांगे बगैर उसको मिल गया। हमारे पास तो वो फलसफा मौजूद है कि जहां पर खुदा खुद बंदे से पूछता है तुझे क्या चाहिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। अरे हमारे पास तो वो शख्सियत मौजूद है कि जिससे हम वफा करें तो अल्लाह ताला लहो कलम हमारे हवाले कर दे कि जो चाहो लिखो, और हम तो वैसे भी कलम अरदास के हामी लोग हैं, उसके मुनकर नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। एक दूर पर दे मोहम्मद वाले हम चीन के बराबर क्या पहुंचेंगे, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर क्या बात करेंगे। हम चीन से ये तो नहीं मनवा सके कि खुदारा अपने सूबे सियानक्यान में रहने वाले मुसलमानों को उनके अकीदे के मुताबिक जीने दो। पिछले माह रमजान में वहां पर रहने वाले मुसलमानों पर पाबंदी लगी कि रोजे ना रखो। शहरी में बकायदा चाइनीज रेंजर्स ने छापा मारा और मुसलमानों को शहरी करते हुए पकड़ के ले गए। इफ्तारी पे पाबंदी, मुसलमान स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वाले मुसलमान वर्कर्स पे पाबंदी लगाई गई कि वो लंच अपने अपने ऑफिसर्स और टीचर्स के साथ करेंगे ताकि जरा बराबर भी किसी के रोजे रखने का एहतमाल ना हो। अगर आप ये शर्त रख देते कि चाइना में रहने वाले मुसलमानों को उनके अकीदे के मुताबिक नमाज रोजे की आजादी मिलेगी, फिर हम कॉरिडोर बनाएंगे। जब तक हमारे दिल में कुफल लगे हुए हैं उस वक्त तक दिलों की राहदारी नहीं बनेगी। चाइना पाक पाक चाइना कॉरिडोर नहीं बनेगा तो क्या चाइना इस बात पर राजी नहीं हो जाता? लेकिन उसको मालूम है ये कोहिनूर ना ले सके, ये कश्मीर ना ले सके, ये रोजा रखने का इख्तियार या नमाज पढ़ने का इख्तियार ये हमसे कैसे मांगेंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज एक और मुकदमे से मुतालिक, और ये दोनों मुकदमे हमारी गुफ्तगू मुकदमाती गुफ्तगू से मुतालिक। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक हिंदू ने हिंदुस्तान की अदालत में राम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कौन राम? मिस्टर भगवान, हिंदुओं के भगवान खुदा, उनका नाम राम। के राम ने अपनी बेगम के साथ सही इखलाक रवा नहीं रखा। जब किसी के यहां खुदा के हाथ पैर हो सकते हैं तो दूसरों के यहां खुदा की बीवी भी हो सकती है। बीवी का नाम सीता और अगवा कुनंदगान का नाम रावण। रावण ने अगवा किया यानी विलन ने। इंडिया की बात इंडियन फिल्मों की इस्तलाहत में समझाई जाए तो जल्दी समझ में आ जाती है। रावण नामी विलन ने हीरो राम की बीवी यानी हीरोइन सीता को अगवा किया, वो अगवा करके ले गया। फिर राम ने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया और लेकर आए, लेकिन उनका रवैया पहले की तरह नहीं था और उन्होंने अपनी बीवी सीता से अपनी वफा के सबूत भी मांगे। मगर जो खुदा को खुद से बनाकर पूज सकता है तो वो खुदा पर इल्जाम भी आयद कर सकता है। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। ये है खुदा को अंडर एस्टिमेट करने और अपने जैसे समझने का अंजाम। हम तो रसूल को अपना जैसा नहीं समझते तो खुदा को अपने जैसे क्या समझेंगे। जो रसूल को अपने जैसे समझें वो रसूल पे इल्जाम लगाएं, उनकी नबूवत पे शक करें, और जो खुदा को अपने जैसा समझें बल्कि अपने हाथों से बनाए वो खुदा पर मुकदमा दायर करें। इन ब्रेकिंग न्यूज को सुनाने का मकसद फकत चटकलेबाजी नहीं था। दो पैगाम थे जो हमने हासिल करने हैं इन दो ब्रेकिंग न्यूज से। पहली न्यूज जिसमें कोहिनूर के हमसे मुतालिक गुफ्तगू थी,
इससे हमें जो हासिल पैगाम मिलता है वो है पहले मुकाम बंदगी समझिए, पहले बंदगी का हक अदा कीजिए और फिर खुदा से कुछ मांगिए, दुनिया से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी खबर, खुदा पे मुकदमा, तो मुकाम उबूदियत समझिए, खुदा को खुदा के मुकाम पे रखिए, खुदा को उसके मुकाम से ना गिराइए, अगर गिराएंगे तो दिलों में शकों को शुभात पैदा होंगे कि पता नहीं खुदा हमारी सुनता है या नहीं, पता नहीं खुदा हमें देगा या नहीं। बंदगी और मुकाम उबूदियत समझने के बाद इंशाअल्लाह आपके और खुदा के दरमियान रिश्ते इस्तवार हो जाएंगे इस तरह कि आपके इशारे काफी होंगे खुदा की रजा और खुदा की तरफ से अता के लिए। अब आइए इस मुकदमाती गुफ्तगू को अपने मौजू से कैसे जोड़ें, यानी फलसफा दुआ से। अगर इंसान अपने आप को बंदा समझे और खुदा को अपना माबूद, तो फिर वो कौन सा ताल्लुक है जो इन दोनों को जोड़े रखता है? वो ताल्लुक दुआ का ताल्लुक है, और ये इतना मजबूत ताल्लुक है कि मोमिन और मुसलमान तो क्या, गैर मोमिन और गैर मुस्लिम भी इस ताल्लुक की बुनियाद पर अल्लाह से मांग सकते हैं और अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनेगा। यानी जरूरी नहीं कि दुआ कबूल करवाने के लिए इंसान मुसलमान या मोमिन हो, अल्लाह तो काफिर की भी सुनता है। जब काफिर को दे सकता है, गैर मुस्लिम को नवाज सकता है, तो उसकी दुआ को क्यों नहीं सुन सकता? हाँ, आखिरत में जो मकाम मर्तबा मोमिन को हासिल होगा वो जाहिर सी बात है गैर मोमिन से अलग होगा। अब आइए हमारी गुफ्तगू का दूसरा मरहला, फलसफा यानी फलसफा दुआ और हमारी बाकायदा गुफ्तगू, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। एक कौले मासूम मौला अली का कि मेरे बारे में दो लोग हलाक हो गए, एक मेरे बारे में गुलू करने वाले और एक मुझे मेरे मुकाम से गिराने वाले, जिन्होंने अली को उनके मुकाम से उठाकर ऊपर कर दिया वो शहरी कहलाए और हुदूद इस्लाम से खारिज हो गए, और जिन्होंने अली के मुकाम को गिराकर अली को आम जैसा या लालची या हदीस खिलाफत नाउज़ुबिल्लाह समझा, वो भी इस्लाम के हुदूद से और उसकी हदबंदी से खारिज हो गए और खवारिज कहलाए। नुसारी से कुछ थोड़े फासले पर गाली शिया या गाली अफराद और खवारिज से थोड़े फासले पर नासवी, और उसके बाद ग्रेडिंग ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चलती चली जाती है। बीच में वो लोग हैं कि जो अली को अली के मुकाम पर यानी रसूलुल्लाह के जानशीन के तौर पे, वजीर के तौर पे, वसी के तौर पे और पहले इमाम के तौर पे और अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के तौर पे तस्लीम करते हैं। जिस तरह अली को उनके मुकाम से ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वाले दोनों हलाक हो गए, उसी तरह खुदा के बारे में भी दो लोग हलाक हो गए, एक खुदा को ओवर एस्टिमेट करने वाले और एक खुदा को अंडर एस्टिमेट करने वाले। अब आप कहेंगे सर आप खुद खुदा को और अली को मिला रहे हैं, पर दोबारा नुसैरियत का पैगाम जी नहीं, ये जरा मुख्तलिफ है, उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह को ओवर एस्टिमेट करना किस तरह मुमकिन है, किस तरह किया गया, किन लोगों ने किया? अल्लाह को अंडर एस्टिमेट करने वाले किस तरह किया गया और किसने किया? दो किस्म के लोग कुरान में जा बजा इसका तस्करा मौजूद, कुरान की आयात दलील के तौर पे आपके सामने पेश की जाती है। नंबर एक, अल्लाह को ओवर एस्टिमेट करने वाले लोग, यहूदी कौम जिसने कहा कि अल्लाह से बेहद खौफ सही नहीं, यानी इतना ना डरो अल्लाह से
और उन्होंने अपने आप को खुदा की चहीती उम कह डाला और ये कहा कि हमें जो है अल्लाह ताला बख्श देगा। और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि पे दर पे उन पे इस तरह अजाब आए कि आखिर में वो अल्लाह से मायूस हो गए। ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। और उसके बाद वो अल्लाह के भी दुश्मन बन गए, जिब्राइल के भी दुश्मन बन गए, ईसा और मोहम्मद के भी दुश्मन बन गए, दुनिया के तमाम मजाहिब के दुश्मन बन गए। और इतने मायूस हुए कि फिर उनको कोई डर कोई ठिकाना ना मिला और आज तक वो भटक रहे हैं। उनकी इबादत गाहें वीरान हैं, सिनेगॉग्स जो यहूदियों की इबादत गाहें कहलाती हैं आज भी बहुत नागुफ्ताबा सूरतेहाल से दो चार हैं। वहां आने के लिए कोई परेशान नहीं, यहूदियों की हुकूमत इसराइल खुद परेशान, अपने मसाइल हल नहीं कर सकती, अपने आवाम को सुकून नहीं दे सकती, अपने मुल्क को तस्लीम नहीं करवा सकती। यूं यहूदी चाहे इसराइल में बैठे हों, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चाहे जर्मनी या किसी और जगह, हलकान है इस बात से कि हम किस तरह अपनी शान और शौकत को वापस हासिल करें। लेकिन ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह ताला से मायूसी को उम्मीद में ना तब्दील करें। अब आइए दूसरी तरफ, वो लोग जो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ गए, उन्होंने कहा कि यहूदियों को तो रांधा दरगाह कर दिया, अब हम बचे हैं यानी ईसाई कौम, अल्लाह ताला हमें बख्शेगा और हम चहीती कौम हैं। इतनी ज्यादा अल्लाह से उम्मीद लगाई कि धड़ल्ले से गुनाह करने लगे। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों सूरतेहाल यानी खुदा से बहुत ज्यादा मायूसी या मायूसी और खुदा से बहुत ज्यादा उम्मीद, दोनों आपको गुनाहों की तरफ लेके जाती है। मसलन मिसाल, अगर एक बच्चे को कहा जाए कि तुम अगली क्लास में नहीं जा सकते, चाहे कितनी मेहनत कर लो पास नहीं होगे, तो वो नहीं पढ़ेगा, मायूस हो चुका होगा यहूदियों की तरफ। और बच्चे को कहा जाए कि तुम ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पास हो जाओगे, अगली क्लास में चले जाओगे, वो भी नहीं पढ़ेगा कि मुझे तो हर सूरत में अगली क्लास में जाना है, और फिर वो पढ़ाई लिखाई से किनारा कश हो जाएगा जैसे ईसाई नेकियों से किनारा कश हो गए। इसके लिए कुरान में आया है फलाया अमन मकरुल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल ख़ासिरून, फलाया अमनु मकरुल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल ख़ासिरून, अल्लाह के अजाब से सिर्फ घाटा उठाने वाले ही मुतमईन होते हैं। यानी खुदा के अजाब से बिल्कुल लापरवाह और मुतमईन हो जाना कि अल्लाह हमें अजाब नहीं देगा, चाहता जितने चाहे गुनाह कर लो, ये ईसाई कौम का वतीरा है। यहूदी कौम क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है वो हमें माफ नहीं करेगा, मायूस है। और ईसाई क्या कह रहे हैं कि अल्लाह जो है हमें माफ कर देगा, मुतमईन रहो जो चाहे करो। हाँ, बस हफ्ते भर के गुनाह आकर अपने ईसाइयों को अपने पादरियों को बतला दो और वो तुम्हारे गुनाह माफ करवा देंगे। अब तो लोग हफ्ते क्या महीने महीने नहीं जाते, साल भर में एक विजिट कर लिया, अब विजिट की भी जरूरत नहीं है, ईमेल व्हाट्सएप स्काइप पे पादरी से बात कर ली, अपने गुनाहों की लिस्ट बता दी, बल्कि ये कह दिया जाता है कि कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कर लिया, अब आप बख्शवा दें, और ईसाई बख्शवा देता है। जो हमारे यहाँ ये सूरत हाल है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन इस उम्मीद पर, इस शर्त पर कि आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम और अपने साबिका गुनाह पर शर्मिंदगी, ये है अहम शर्त या शराइत कि जिसके बाद आपकी दुआ कबूल होगी। चुनाचा ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह ईसाइयों की इबादत गाहें भी खाली हो चुकी है। आए दिन इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के चर्चेज के बारे में ये खबर आती है कि फला चर्च बिक गया और शराब खाने में तब्दील हो गया। आए दिन या कोई मुसलमान खरीद कर उसको मस्जिद बना देता है। तो ईसाइयों की इबादत गाहें
जो यहूदियों की इबादत गाहों से कहीं ज्यादा थी अब बदस्तूर कम होती चली जा रही, या तो शराब खानों में या मस्जिद में। लेकिन बहरहाल जिन्होंने मस्जिद बनाई और मस्जिद का हक अदा किया वो अलग बात, लेकिन ईसाइयों की चर्चिस की तरह यहूदियों के सिनेगॉग्स की तरह कुछ मस्जिदें अभी भी वीरान हैं। मस्जिद तो बना दी शबर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। तो जरूरी है कि मस्जिद बनाने वाले मस्जिद को आबाद भी करें, और मस्जिद नमाज से इबादत से आबाद होती है, बर्फी उमकुमों से आबाद नहीं होती। इन दोनों के दरमियान का कोई क्या कोई इत्तेदाद की राह है? बिल्कुल है। जब सूरह फातिहा में इसका तज़किरा हो सकता है तो खुद इस्लाम में तफसीली तौर पर इसकी गुफ्तगु क्यों नहीं हो सकती? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, क्या मैं सीधी राह दिखा उनकी जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ, गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दाल्लीन, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए उनकी राह नहीं, उनकी राह जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। चुनाचा तीसरी राह असली राह हिदायत की राह, मुसलमानों की राह, इस्लाम की राह, और वो है इत्तेदाल की राह। वयदउनना रगबन व रगबन व कानू लना खाशईन, और हमको उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं और हमारे लिए इज्ज़त और इंतजारी से झुके हुए हैं। कौन लोग? यहूदी जी नहीं, ईसाई जी नहीं, मुसलमान, वो शख्स जो अल्लाह से उम्मीद लगाए रखता है। और क्या अलामत है कि इस शख्स के दिल में अल्लाह के लिए खौफ भी है और उम्मीद भी है? इन लोगों का अंदाज खुदा के हुजूर खड़े होने का यह होता है कि वो इज्जो इंकसारी से झुके हुए होते हैं। लेकिन बच्चा जिसको बाप बुलाए, अगर वो बाप से बिल्कुल मायूस है कि बाप नहीं बख्शेगा, नहीं छोड़ेगा, बहुत मार लगाएगा, तो वो घर से भाग जाता है, बाप को शक्ल नहीं दिखाता। कितने बच्चे जो अपने खानदानों को छोड़ छोड़ के भागे हैं, सड़कों पर भीख मांगते हुए होटलों में काम करते हुए नजर आएंगे, उनके पीछे यही नजरिया, यही फलसफा नजर आता है, वजूहात असबाब नजर आते हैं। और वो बच्चा जो बिल्कुल ही लापरवाह है, बाप के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है कि हाँ दादाजी मैं फिर फेल हो गया, बड़े फखर से बताता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो दोनों का रवैया गलत है। हाँ एक वो बच्चा है जो खौफ खाता है कि बाप नाराज होगा, सजा देगा, लेकिन उसको उम्मीद भी होती है कि मुझे अम्मी बचा लेंगी, मुझे किसी का वसीला बचा लेगा, या मेरे खुदा को मुझ पर रहम आ जाएगा, कुछ तो मेरी नेकियां होंगी जो मेरे काम आ जाएंगी। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह फकत खौफ को भी नहीं पसंद करता, अल्लाह फकत उम्मीद को भी नहीं पसंद करता। अल्लाह तो चाहता है कि ये दोनों चीजें मोमिन के दिल में मौजज़न रहे, और इसकी तौज़ीह हमारे पांचवें इमाम बाबुल उलूम करते हुए नजर आते हैं। तौज़ीह, हर मोमिन के दिल में दो नूर होते हैं, एक नूर खौफ और एक नूर रजा। इस तरह के अगर दोनों को वजन किया जाए तो दोनों तराजू के तोल बराबर होते हैं, 50-50, न कम न ज्यादा। हाँ कुछ रवायतों में उम्मीद के हवाले से आया है कि उम्मीद खौफ पे गालिब होती है, और हकीकत है अल्लाह की रहमानियत, अल्लाह की रहीमियत उसके गजब पर हावी है। बहरहाल दो नूर होने चाहिए, एक खौफ का नूर और एक उम्मीद का नूर, दोनों नूर बराबर बराबर होने चाहिए। ना खौफ का नूर ज्यादा हो कि इंसान मायूस हो जाए यहूदियों की तरह, ना उम्मीद का नूर ज्यादा हो कि इंसान लापरवाह हो जाए ईसाइयों की तरह। जैसे कि बच्चा है, इम्तिहान की तैयारी करता है, जब नहीं पढ़ता तो खौफ होता है कि फेल ना हो जाऊं, और जब पढ़ने लगता है उम्मीद शुरू हो जाती है, हाँ मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो रोजाना इसके दिल में यही बात रहती है, अगर उसको यकीन हो जाए कि मैं पास हो जाऊंगा तो नहीं पढ़ेगा, अगर उसको यकीन हो जाए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो नहीं पढ़ेगा, दोनों सूरतों में नहीं पढ़ेगा। आपको मालूम हो जाए आपको जन्नत मिल गई, आप नेकियां करना छोड़ देंगे, या अगर आपको मालूम हो जाए कि आप दोजख के गड्ढे में धकेल दिए गए, फिर आप मायूस हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे नमाजें, नहीं पढ़ेंगे, नेकियां नहीं करेंगे।
तो दोनों चीजें मोमिन के लिए जरूरी है। कहते हैं कि जब मोमिन का इंतकाल होता है ये दोनों चीजें उसमें जमा होती है। मासूम से पूछा गया क्या मोमिन के इंतकाल के वक्त मोमिन डरता है, इमाम ने जवाब दिया हाँ। पूछने वाला हैरान रह गया, उसको तवक्को थी कि इमाम कहेंगे नहीं डरता नहीं है बल्कि खुश होता है, इमाम ने कहा हाँ। पूछने वाले ने परेशानी का इजहार किया तो इमाम ने फरमाया हाँ वो मौत के वक्त मरने से डरता है लेकिन जब वो देखता है कि उसके इस्तकबाल के लिए चंद अजीम हस्तियां आई हुई हैं, उसका तारुफ उन हस्तियों से करवाया जाता है कि मैं मोहम्मद हूं, ये मेरी बेटी सैयदा है, ये मौलाए कायनात है और ये इनकी नस्ल के। वो मुस्कुराए बगैर नहीं रहता, खुश हुए बगैर नहीं रहता। गुस्ले मैयत ना कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को ना कफन नाम को, मैं चला हूं अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरजू वो घड़ी आई। ऐसा शख्स किस तरह गमगीन हो सकता है कि जिसको लेने के लिए मौला अली मौला कायनत खुद है। तो मोमिन डरता जरूर है, अपने किए पे नादिम तो होता है। फेसबुक पे लॉग ऑन होने वाले किस फेस से खुदा को फेस करेंगे, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शरम तुमको मगर नहीं आती। वाकई हमारा फेस नहीं है, फेसबुक पे इतने गुनाह कर लिए हमने, क्या फेस होगा हमारा। लेकिन जब मौलाए कायनात आते हैं मोमिन को लेने के लिए उसकी शफाअत के लिए, तो फिर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रहता। अब आइए हमारी गुफ्तगू के तीसरे मरहले दुआ के मफहूम की तरफ, लेकिन इससे पहले एक सलावत। दुआ के लफ्ज़ी माने बुलाना पुकारना, दावा या दुरू, ये इसका मादा है, माजी मुजारे का सिवा। बुलाना या पुकारना, दावत जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये बुलाने के मानों में इस्तेमाल होता है, दावत देना किसी को बुलाना। इस्तिलाही मफहूम अल्लाह की हमदो सना, अल्लाह से राजो नियाज, अल्लाह से हाजात तलब करना। फकत मांगना दुआ नहीं है, या मांगना ही दुआ नहीं है, मांगना भी दुआ है। लेकिन हम तो सना आप देखिए सूरह फातिहा दुआ है, लेकिन कब शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां तक अल्लाह की हमदो सना है। बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक राजो नियाज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह की हमदो सना है। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अरे मैं तुझी से तो मांगता हूँ, तेरी तो इबादत करता हूँ, और है ही कौन। फिर दुआ शुरू होती है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आपने देखा सूरह फातिहा जो रोजाना पढ़ते हैं आधे से ज्यादा हिस्सा अल्लाह की हमदो सना और अल्लाह के साथ राजो नियाज पर मुश्तमिल है, और उसके बाद दुआ। यही तरीका होता है जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी की या बोनस की या किसी काम के लिए मदद की, तो पहले आप मोस्ट रिस्पेक्टेड मैडम या प्रिंसिपल और तारीफ करने के बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ योर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट करके उसके बाद फिर आप अपनी बात अपना मुद्दा बयान करते हैं। सहीफ कामला में कितनी दुआएं हैं कि जो फकत और फकत अल्लाह की हमदो सना पर मुश्तमिल है, और ये भी एक इशारा किनाया होता है कि हम तुझसे मांगने आए। फकीर आता है आपकी गाड़ी के पास, क्या कहता है? अल्लाह तुझे करोड़ों दे, कहता है ना। आप समझ जाते हैं कि 10 रुपए मांग रहा है। किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम फकीर तू है कि मैं तुझे 10 रुपए दे रहा हूं, तू मुझे करोड़ दे रहा है। तो ये है अंदाज कि आप तारीफ कर दें काफी है। बच्चे अम्मी को मक्खन लगाते हैं, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आप बहुत थक गई होंगी, चले अम्मी मैं रोटी पका लूं। बेटा काम की बात करो, कम टू द पॉइंट। बेगम शोहर को माशाल्लाह आज आपके पास
बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत थक गए हैं, आप आराम करें, मैं अकेली चली जाती हूँ, मम्मी क्या। तो हर कोई एक दूसरे को मक्खन लगा, अरे अगर मक्खन लगाना है खुदा ना खास्ता गुस्ताखी ना हो रही हो तो अल्लाह को मक्खन लगाए, अल्लाह की तारीफ करें, जो सजावार है तारीफ का। फिर आप देखिएगा कि उसकी मखलूकात, जिसे कहते ना कि तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, दुनिया की तमाम मखलूकात जिसकी आप तारीफ करते हैं हकीकत में उसको अल्लाह ने बनाया, तो सबसे ज्यादा तारीफ का हकदार अल्लाह ही है, उसकी आप तारीफ करते हैं वो समझ जाएगा। आइए गुफ्तगू के चौथे मरहले फजीलत दुआ की तरफ, कि दुआ मांगने की क्या फजीलत है। खुद मांगना यानी कि दुआ कबूल हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, फायदा हो या ना हो, लेकिन मांगने की वजह से जो फजीलतें आपको मिल गई उनकी तफसील एक दूर पर दे मोहम्मद अल मोहम्मद। पहली फजीलत दुआ असलहा है, किसके खिलाफ? शैतान के खिलाफ, गुनाहों के खिलाफ। दुआ मोमिन का असलहा है खसूसी तौर पर, ताकि लोगों का तो है ही, काफिर का भी है, मजलूम का भी है, हो सकता है वो मोमिन ना हो, लेकिन मोमिन का तो बदर जो औला असलहा है, मोमिन का नहीं औलिया का असलहा है। और एक जगह कहा गया अंबिया का असलहा, कितने लोगों का असलहा, कितने लोगों का असलहा। कहते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा अमरीकी असलहा खरीदने वालों में सरफहरिस्त मुल्क सऊदी अरब, उसके बाद यूएई, उसके बाद दीगर। अगर मुसलमान समझ लेते कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया असल असलहा दुआ है, तो खरीदारों की फहरिस्त में उनका नाम कुफार से भी आगे ना होता। तो उस दुआ को समझिए जो असली असलहा है। और आप कभी भी दुआ की असलहे की तावील समझ में नहीं आती तो मुझे बताइए अब्दुल मुत्तलिब के पास कौन सा असलहा था? अब्राहम के पास हाथी थे, नेजे थे, तलवारें थी, बर्छियां थी, तीर कमान थे, क्या नहीं था? अब्दुल मुत्तलिब के पास कुछ नहीं था, सब चले गए मक्के से फरार हो गए, और अब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना असलहा निकाला छुपा हुआ। ये नहीं, अब्दुल मुत्तलिब चले गए, जो लोग कहते हैं कि उनको अपना हाथियों की फिक्र थी, काबे की फिक्र नहीं थी, जी नहीं, काबे की फिक्र थी। तो फिर क्या किया? वही किया जो एक मोमिन को करना चाहिए, अपने असले को निकाला, और उस असले ने क्या काम दिखाया। अब अभी की बात नहीं कर रहा मैं दुआ की बात कर रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के गिलाफ को पकड़ के रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी, ये अल्लाह तू काबे का मालिक है, तू मुझसे ज्यादा काबे की हिफाजत कर सकता है, अब तू ही कोई तरकीब कर। अरे अबाबील और उनकी कनकरियां तो उस असलहे का मजहर थी, बंदा काबी था, काबी था। काफी था अब्दुल मुत्तलिब का खाने काबे के खिलाफ को पकड़ के रो रो की दुआ मांगना, काफी था अब्रहा के लश्कर को निस्तनाबूद करना, लेकिन लोगों को बतलाना मकसूद था कि देखो जिस तरह दुआ एक वसीला है, इस तरह दुआ के नतीजे में भी एक वसीला पैदा होता है जो दुआ के वसीले को अपने पाए तकमील तक पहुंचाता है। और यह भी बतलाना मकसूद था, हाथी जैसे भारी बरकन जानवरों से ना घबराओ, कसरत तादाद फौजे अशकिया या फौजे दुश्मनान से ना घबराओ। पैगाम है आजकल के मुसलमानों के लिए कि एटम बम, मिसाइल, सैटेलाइट्स और गन से ना घबराओ, अपने असलहे को इस्तेमाल करो। फिर क्या हुआ? अब अभी लाइन असलहे को लेकर तीन कंगरियां दी, एक सीधे पंजे में, दूसरी बाएं पंजे में और तीसरी चोंच में, तीनों कंगरियां एक एक हाथी और उसमें बैठे हुए सिपाही पर फेंकी जाती। वो कंकरियां उस सिपाही के सर पर मौजूद लोहे के खौद यानी हेलमेट पे लगती, उसको दो टुकड़े में तब्दील कर दी, और उसके बाद उसके सर के दो टुकड़े कर दी, उसके जिस्म के दो टुकड़े करते हुए हाथी के पेट में जाती और हाथी के पेट में जाके भस्म हो जाती,
और वो शख्स हाथी समेत जमी बोस हो जाता। अब याद कीजिए मौला अली की जरूरत को, इसी तरह दुश्मनान दीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती, जब ज़र्बे पड़ती तो दो हिस्सों में वो काफिर तकसीम हो जाता। तो ज़र्बे इलाही और ज़र्बे अली एक जैसी हुआ करती है। जबी अली की जरबत को जरबे यदुल्लाही कहा गया है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक जरबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीर। यदुल्लाही अल्लाह के हाथ की जरब, अल्लाह की तरफ से भेजा गया असलहा उसी तरह दुश्मन को नीस्त नाबूद करता है जिस तरह अली के हाथ से पड़ी हुई जरबत। अब आप कहेंगे सर ये पुराने जमानों की बातें हैं, कोई नई बात करें। ईरान का जब इंकलाब आया तो अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ शाहीन के पंजे के हवाले से एक ऑपरेशन किया, 8 कोबरा हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया कि तुम्हें ईरान की अहम तंसीबात पर हमला करना है, और ये कहा गया कि अगर 4 हेलीकॉप्टर भी काम आ गए तो बहुत होगा। ये 8 हेलीकॉप्टर आए तो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को देखते हुए ईरानी जर्नल्स बहुत परेशान हुए कि हमारे पास ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। किसके पास गए? उलमा के पास। तो याद रख लीजिए मुसीबत में अहले बैत काम आते हैं या अहले बैत के करीब तरीन अफराद, दैट इज उलमा मुज्तहिदीन। उलमा मुज्तहिदीन ने क्या किया, क्या कोई तरकीब बताई कि हेलीकॉप्टर को कैसे तबाह करो, क्या मजीद किसी असले को उनके सामने पेश किया? नहीं, वही पुराना अब्दुल मुत्तलिब वाला असला। सहरा में जाके दुआ की, तवस्सुल किया इमाम ज़माना से, अमरीकी हेलीकॉप्टर उसमें सवार लोग बड़े परेशान हो गए, हम हेलीकॉप्टर लेकर आए मिसाइल फिट किए हुए और इनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं और हाथों में कुछ भी नहीं, ना मशीन गने ना गन्स, और हाथ ऊपर उठे हुए खाली हाथ, परेशान हुए। इससे पहले कि कुछ करते एक तूफान बादोबारा आया, आंधी और झक्कड़ चले, रेत के कंकर उठे, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स की विंड स्क्रीन पर पड़े और हेलीकॉप्टर अंधे हो गए, उनको कुछ नजर नहीं आया। और इसी अंधेपन में जब आगे बढ़े तो एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो गए, जो बचे उन्होंने भाग कर वॉशिंगटन में पनाह ली। दुरुस्त पढ़ दे मोहम्मद अली। अब आइए दूसरी फजीलत की तरफ, दुआ की, दुआ इलाज है। सूरह फातिहा के हवाले से आपने सुना होगा कि ये हर मर्ज की दुआ है, दवा है सिवाय मौत के। दुआओं के जरिए बलाओं को दफा किया जाता है, कोई बला आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत, इज्तिमाही मुसीबत, उससे दुआओं को रफा किया जाता है। इराक में एक दफा ताउन की बाबा फैली, मुज्तहिदीन ने आवाम को बुलाया और सबने मिलकर दुआ की, कहते हैं कि दुआ करने से ताउन की वबा तमाम शियान अली मजहब अहले बैत के मानने वालों से रफा हो गई, कोई एक शख्स नहीं बचा। ये सूरह फातिहा जो हम पढ़ा करते हैं, जंगे सिफीन में एक शख्स मौला के पास आया, कहने लगा कि मेरा बाजू जख्मी होकर कट के अलग हो गया है लेकिन मुकम्मल तौर पे अलग नहीं हुआ, लटक रहा है एक झिल्ली के साथ, कुछ कीजिए। मौला ने बाजू को कंधे से लगाया और कुछ पढ़ा, और जब हाथ हटाया अपना तो वो बाजू उसके कंधे से लग चुका था। वो दोबारा गया, लड़ाई की जिहाद में हिस्सा लिया और वापस आया, जंग के इख्तिताम पर कहा, मौला आपने मेरे बाजू को कंधे से लगाकर क्या दुआ पढ़ी थी? आपने कहा सूरह फातिहा। उसने कहा ये सूरह फातिहा जो हम पढ़ा करते हैं, यानी हमारी जबान में ये बच्चों वाली सूरह। उसने जैसी ये कहा उसी वक्त उसका बाजू उसके कंधे से अलग होकर जमीन पे गिर गया। ये है ना कदरदानी अल्लाह से दुआ करने के हवाले से और उन
सूरों के हवाले से जिनके लिए हम कहते हैं इनके पढ़ने से क्या होता है, असल चीज तो अमल है। अरे जबान का हिलाना भी तो अमल है, आजा जवारे को हिलाना अगर अमल है तो जबान का हिलाना भी अमल है। और देखा जाए कि दुआ नहीं मांगता, अभी आगे आएगा, वो तकब्बुर का इजहार करता है कि मैं क्यों मांगू जब मैं खुद कर सकता हूं। तीसरी फजीलत कुर्बत इलाही, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि मुझको देने वाला अल्लाह है, मेरी मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह है। कहा गया जमीन और आसमान में कितना फासला है, तो जवाब मिला दुआ की कबूलियत के बराबर, इतना सा फासला है। जितनी देर में तुम्हारी दुआ कबूल होगी उतना ही फासला है, अगर दुआ देर में कबूल हो रही है तो तुम्हारी और अल्लाह की कुर्बत में फासला है, और अगर जल्दी कबूल हो रही है तो कम है। ये अलग बात है कुछ लोगों की दुआ अल्लाह ताला जान बूझ कर रोके रखता है, क्यों उसका तस्कर आगे आएगा। चौथी फजीलत जहन्नम से आजादी। देखिए अभी ये बात नहीं हो रही कि दुआ के फवायद क्या है, दुआ के फवायद इंशाल्लाह अलग से किसी दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। फजीलत क्या है फकत कि दुआ कबूल हो या ना हो, फायदा हो या ना हो, आपको सिर्फ दुआ करने से क्या मिलेगा, जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह फरमाता है ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, وہ لوگ جو غرور تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم واصل ہوتے ہیں۔ جو دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے, جو لوگ دعا نہیں کرتے گویا وہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے زور بازو پر اعتماد ہے, हम खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं और हम जो है वो तुझसे दुआ नहीं मांगेंगे, हमें नाउज बिल्ला बना बनाया काम नहीं चाहिए, बैठे बिठाए रोजी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग उम्र भर थका देने वाली जिंदगी गुजारते हैं, मिलता वही है जो अल्लाह ने उनकी तकदीर मिलेगा। अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह बैठे बिठाए मिलेगा, काम करके भी मिलेगा, लेकिन काम करके भी मिलेगा, लेकिन आपको दुआ से और ज्यादा मिलेगा। और इसकी तायद हमारे चौथे इमाम इमाम जलालुद्दीन अलैहि सलाम फरमाते हैं इस आयत की तायद में, तूने दुआ का नाम इबादत रखा है, इसके तर्क को गुरूर से तागीर किया है और इसके तर्क पर जहन्नम में जलील होकर दाखिल होने से डराया है। यानी वाकई अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया दुआ का नहीं इस्तेमाल किया, इबादत का इस्तेमाल किया है कि तूने, देखिए अल्लाह ताला यहां जो लफ्ज इस्तेमाल करता है कि अन इबादती, जो इबादत से मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं कहा जो दुआ से मुंह मोड़ते हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि तूने दुआ का नाम इबादत रखा और इसके तर्क को गुरूर से दाखिल किया और इसके तर्क पर जहन्नम में जलील होकर दाखिल होने से डराया। तो देखा आपने, अगर इबादत भी करेंगे दुआ नहीं मांगेंगे तो आप मुतकब्बिर हैं, अगर इबादत नहीं करेंगे दुआ भी नहीं मांगेंगे तो और भी ज्यादा मुतकब्बिर हैं। लेकिन इबादत के बाद दुआ ना मांगना तकब्बुर किया जाता, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मजलिस अटेंड करें और नियाज ना लें, ये भी एक तकब्बुर की अलामत है, और नियाज लें मजलिस ना अटेंड करें, ये तो बहरहाल आप बेहतर ध्यान दें किस चीज की अलामत है। बहरहाल मजलिस भी अटेंड करें, नियाज भी लें, इसी तरह इबादत भी करें और दुआ मांग के अपनी जजा भी लें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखें एक कौम थी सोने की, पहाड़ों में घर बना के रहा करते थे, बड़ी मजबूत कौम थी, हाथों से खजूर के दरख्त उखाड़ लिया करते थे, बहुत ही मुतमब्बर कौम थी, क्या ही अमेरिका, क्या ही यूरोप, क्या ही रशिया, तमाम कौम से ज्यादा ताकतवर कौम उस जमाने में। और जब जनाबे साले ने उनको अल्लाह के आजाब से डराया तो वो लोग नहीं डरे, बल्कि बतला भी दिया कि तुम पर आजाब आने वाला है, आजाब की अलामात भी बतला दी कि तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, फिर सुर्ख हो जाएंगे, फिर सियाह हो जाएंगे।
तीन दिन ये हालत रहेगी, एक दिन जर्द, एक दिन सुर्ख, एक दिन सिया। जब उनके चेहरे जर्द हुए फिर भी बाज नहीं आए, चेहरे सुर्ख हुए फिर भी बाज नहीं आए, सिया हुए फिर भी बाज नहीं आए। साले की ठिकाने की कोशिश और जस्तुजू में निकल गए अपने घरों से, कहा है साले, कहा है उसका खुदा, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह ने कैसा तबाह किया, मौका दिया, दुआ करते तो अजाब चला जाता। किस तरह? हजरत यूनुस की कौम की तरह। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कह दिया था बुध के दिन सुबह को अजाब आएगा, और अपने पीछे एक आलिम, दो ही अफराद ईमान लाए थे, जो आलिम था वो रह गया इस उम्मीद पे कि आखिर वक्त तक इन लोगों को डराऊंगा समझाऊंगा। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए और उस आलिम शख्स ने लोगों को डराया समझाया, देखो बुध आने वाली है, अभी भी मान जाओ नहीं माने, बुध की सुबह आ गई, बादल आने लगे, अभी भी मान जाओ। फिर लोगों ने समझा कि वाकई बादल आ गए, अजाब आ जाएगा। चौथे साले की कौम की तरह नहीं किया, बल्कि इस साले का मुजाहरा किया, अकलमंदी का मुजाहरा किया और दुआ की, अल्लाह से तौबा की, और अजाब रुक गया, आता हुआ अजाब रुक गया। यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा अजाब तो नहीं आया, कौम तो उसी तरह बाजारों में अपने घरों में मशगूल और मसरूफ और खुशहाल है। चुनाचे शर्मिंदगी के मारे नहीं गए, शहर में वापस हो गए। फिर आपने वाकया सुना किसी तरह, किस तरह वो किश्ती में सवार हुए और फिर मछली ने उनको अपने पेट में ले लिया और फिर वो घूमते रहे। आपने देखा कि कौम पर अजाब आते आते रुक गया और कोई भी फजीलत नहीं थी उस कौम की सिवाय उसको फजूर के पूरी जिंदगी गुनाहों से आरास्ता थी, कोई नेकी नहीं की थी, लेकिन आखिर वक्त में तो वो तौबा कर ली, आखिर वक्त में दुआ कर ली, आखिर वक्त में वो हथियार इस्तेमाल कर लिया जो तमाम हथियारों पर भारी होता है। इसके बाद हुक्म दुआ, कुरान में कहा आया है, दूर पर्दे मोहम्मद वाले अल्लाह ताला कुरान में सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में फरमाता है इदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं। फकत ये नहीं कहा दुआ मांगो, ये भी कहा मैं दुआ कबूल करता हूं। कैसे, किस तरह, किस वक्त, और अगर ना कबूल करे तो उसके बदले में क्या देता है वो अलग तफसील है। कबूल जरूर होगी दुआ, ये बात तय है, हत्ता की जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होंगी वो आखिरत में कबूल होंगी। और ये भी कहा जाता है कि जब लोगों को उनकी ना कबूल होने वाली दुआओं के बदले में कयामत के दिन अजर दिया जा रहा होगा तो वो अफसोस करेंगे कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। किसी को बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, वो करीब मौजूद होता है तो बुलाते, दूर वाले शख्स को नहीं बुलाते। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछे तो कह दो कि मैं इनके पास ही तो हूं, और जब कोई मुझसे दुआ मांगता है तो मैं दुआ कबूल, दुआ करने वाली की दुआ को सुनता और कबूल करता हूं। ये ना जानिए कि अल्लाह दूर है मुझसे, कैसे दुआ कबूल होगी, कैसे उस तक पहुंचेगा। आपका खलूस नियत सबसे पहली शर्त है। मैंने आपको बताया कि दुआ के लिए तो बस औकात मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, मजलूम होना काफी है, यह यकीन होना काफी है कि अल्लाह जो है वो मेरी सुनेगा। फिरौन जब डूब रहा था तो उसने मूसा को पुकारा, ये मूसा मेरी मदद कर, डूब गया मर गया। अल्लाह ने कहा मूसा अगर इतने खलूस से मुझको पुकारता तो मैं मदद कर देता, हालांकि काफिर मर रहा था, उसके बावजूद अल्लाह ने कहा मुझको पुकारता इतने खुलूस से तो मदद कर देता। फिर अल्लाह फरमाता है अम्मा युजीबुल मुत्तर इदा दाअहु व यक्शिफु सू, वो कौन है कि जब मुस्तर वाला बेचारा शख्स साहिब मुस्तर उसे पुकारे तो वो सुनता है और हर दुख दर्द को दूर करता है। यानी अल्लाह ताला ही है जो मजलूम की मजलूमियत को, मुसीबत जदा की मुसीबत को और बेचारेगी की बेचारगी को दूर करता है, कोई और शख्स नहीं जो उसकी सुनता है।
और अगर कोई उसकी मदद करता है तो यकीन कर लीजिए वो शख्स, वो वसीला उसी का भेजा हुआ और उसी का पैदा करदा है। हमारी गुफ्तगू का छठा मरहला शुभहात दुआ, यानी वो शकूक व शुभहात जो दुआ से मुतल्लिक एक ज़हन में पैदा होते हैं उनके जवाब। लेकिन इससे पहले एक बुलंद कर सलावत। पहला शुभा, पहला शब्द जो इंसान के जहन में आता है कि सब दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, ये और बात के शर्मिंदा है ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। भाई कुछ तो होती है दुआ कबूल, उस पर मुतमिन हो जाइए, बाकी दुआ जन्नत में कर लीजिएगा, जन्नत में मांग लीजिएगा। नहीं, सारी दुआएं कबूल होनी चाहिए, कोई एक दुआ भी रिजेक्ट ना हो। उसके लिए बहुत अच्छी ताबीर, बड़ा अच्छा जवाब खुद कुरान दे रहा है, बयद वाल इंसान बिशर दुआहु बिल खैर वकान अल इंसान अजूला। बसा अवकात इंसान बुराई की दुआ इस तरह मांगता है जिस तरह अपने लिए भलाई की दुआ करता है, और इंसान तो बड़ा ही जल्दबाज वाकई है। बच्चे हैं ना, आइसक्रीम की दुआ, आइसक्रीम की तलब और आइसक्रीम मांगने की जल्दी करते हैं। सर्दी का मौसम है, नहीं अम्मी गर्मी है, अभी तो गर्मी है, रात में हो जाएगी अलग बात। और फिर जब खा लेता है, नजला जुकाम खांसी होता है, स्कूल नहीं जा पाता, फिर अम्मी बताती थी बेटा तुम जिद कर रहे थे ना, मेरी बात नहीं मानी थी। इस तरह इंसान बहुत सारी चीजें मांगता है, नासमझ होता है, लेकिन जब वो चीज उसे मिल जाती है तो उसको पता चलता है कि वाकई ये मेरे लिए बेहतर नहीं थी। तो इंसान उजलत पसंदी में बहुत सारी चीजें मांगता है और कबूल ना होने पर अल्लाह से शिकायत करता है, और यही इंसान जब जरा बड़ा होता है तो वो कहता है कि अच्छा हुआ मुझे ये चीज नहीं मिली। आपने देखा होगा बचपन में कितनी तो बच्चे जिद करते हैं हमें बाहर खेलने जाना है, हमें टीवी देखने दे, हमें ये दे, हमें करने दे, वरना वो करने दे। लड़कियां अपने माँ बाप से बड़ी नाराज रहती है, भाई को जाने देते हैं, रात भर गायब रहता है, गली के नुक्कड़ पे खड़ा रहता है, फ्रेंच फ्राई सबके सामने बैठ के सड़क पे खा रहा होता है, दूध पत्ती होटल पे चाय पी रहा होता है, हमको देखे नहीं जाने देती। कम से कम अमेरिका यूरोप में तो मुसलमान लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़कों तो इजाजत है, लड़के तो जाते घूमते फिरते और हमको इजाजत नहीं है। एक लड़की से पूछा आपने कि भाई क्यों इजाजत नहीं है, यानी हमें माँ बाप कहते हैं यू आर इनोसेंट एंड कल्चर्ड गर्ल। मैंने इनोसेंट का तर्जुमा क्या है, मासूम। मैंने सही बात है कि माँ बाप आपको मासूम से मिला रहे हैं, तो ये लड़की की इज्जत वकार है कि उसको मासूम कहा जा रहा है। बेटा आप ज्यादा पुरवकार हो, आप ज्यादा मासूमियत से करीब हो, इसलिए तो हम आपको हिफाजत से घर में रख रहे हैं। तो इंसान बहुत सारी चीजें मांगता है। जो लड़के हिजाब नहीं करती, बड़ी मुश्किल से हिजाब पे आबादा होती है, उनसे पूछिए जब पहली मतलब हिजाब करती है कैसे दिल पे छुरियां चलती हैं, और नहीं करती है तो दूसरों के दिलों पर। तो जब वो बड़ी होती है तो उनको अंदाजा होता है कि अम्मी ने सही कहा था, हमें तकलीफ तो हुई थी और हमने जो है वो हिजाब नहीं किया था, जब किया अब पता चल रहा है चंद साल गुजरने के बाद या शादी होने के बाद कि वाकई से हिजाब की क्या अहमियत है। अम्मी कहती है रोजा रखो, आप कहती नहीं मैं तो अभी 10 साल की हूँ, भाई भी तो नहीं रख रहा, वो 13 साल का है। तो बाद में पता चलता है कि वाकई रोजा रखने में कितनी अफादियत है, और बच्चियों को क्यों बच्चों से ज्यादा पहले ही ताकीद कर दी जाती है रोजा रखने की, या नमाज की, या दूसरे तकल्लुफात शरई की। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें इंसान को समझ नहीं आती। देखें, माँ के पेट में एक बच्चा है, उस नुतफे को, उस बच्चे को, उस एम्ब्रियो को बता दिया जाए जब तुम बाहर जाओगे तो हवा होगी, यहां पानी है, बाहर जाओगे तो हाथ पैरों से चलोगे, यहां जो है बाकायदा चलने का कोई इम्कान नहीं, कोई मैदान नहीं, बाहर जाओगे अपने हाथों से खाओगे, तो बच्चा कभी भी यकीन नहीं करेगा, बल्कि बाहर जाने की तैयारी नहीं होगा। लेकिन जब वो पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में नहीं लगता। एक बच्चा झूले में होता है, उसको आप कहते हैं कि बेटा बाहर भी दुनिया है, बाहर भी गली है, बाहर भी सड़कें हैं, बाहर भी बाजार है, बाहर ये कुछ है, उसने तो सितारे नहीं देखे, आसमान नहीं देखे, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है। तो इसी तरह जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, हालात तब्दील होते हैं, तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मसलन
जब आप इस कमरे के अंदर हैं तो आपको छत नजर आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब आपको इसी छत के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि कितना बड़ा फासला है, कितनी बड़ी दुनिया है। जिसने आसमान देखा ही ना हो, छत देखी हो, तो वो यही कहेगा ना कि भाई 10 फुट की या 2 मीटर या 4 मीटर की दुनिया या जिंदगी या मैदान या माहौल है। जब किसी इमारत की छत पर या पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिया जाए तो वो कहेगा वाकई दुनिया कितनी बड़ी है। जब इंसान की समझ बूझ बढ़ती चली जाती है तो इंसान को पता चलता रहता है मेरे लिए क्या बुरा था जिसको मैं अच्छा समझ रहा था, और क्या अच्छा था जिसको मैं बुरा समझ रहा था। कितनी ही दोस्तें हुआ करती हैं जिनसे मना किया जाता है, इनसे ना मिलो, इनसे ना मिलो। कितने टीवी प्रोग्राम आते हैं जिनसे कहा जाता है इनको ना देखो, उनको ना देखो। बाद में पता चलता है कि हमारे अम्मी अब्बू क्यों मना किया करते थे या इस्लाम ने इस पर क्यों पाबंदी लगाई। एक बात, एक शख्स एक शहर में रहा करता था जिस शहर में तमाम नौजवान सेहतमंद तनुमंद, वो किसी तरह छत से गिरकर अपनी हड्डी तोड़वा बैठा और लंगड़ा हो गया। अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लगा कि पूरे शहर में तमाम के तमाम सेहतमंद लोग हैं, एक मैं ही लंगड़ा हूं। अब फिर क्या हुआ, दूसरे दिन पड़ोसी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम सेहतमंद मर्दों को मेरे हाथ सामने हाजिर किया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। फौजें तमाम घरों में घुसी, तमाम सेहतमंद मर्दों को ले गई। जब इसके घर में घुसी तो कहा यह शख्स तो लंगड़ा है, इसको ले जाने की क्या जरूरत। वो बेचारा बल्कि खुशनसीब जो है कत्ल होने से बच गया। दूसरा शख्स, सब दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। अभी तक तो हमने कहा सबकी दुआएं, अभी तक हमने कहा कि एक ही शख्स की सब दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। अब क्या शुबा है, शक है कि सबकी दुआएं, अगर अल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल करने लगता है तो आप अल्लाह से फ्री हो जाते हैं। अल्लाह से फ्री होकर कहते हैं कि अल्लाह के तू दूसरों की भी कबूल कर, मेरी बहन की भी कबूल कर, मेरे भाई की भी, मेरे अब्बू की भी, मोहल्ले वालों की भी, वगैरह वगैरह, सबकी दुआएं कबूल कर। तब देखिए, अगर अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे तो कैसे क्या होगा। मूसा अलैहि सलाम ने भी इसी तरह का शक शुबा का इजहार किया। अल्लाह ने कहा कि आज तुमसे कुछ लोग मिलने आएंगे, तुम्हें मालूम हो जाएगा मैं सबकी दुआएं क्यों नहीं कबूल करता। मूसा अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, किसान, कहने लगा मूसा काफी दिनों से बारिश नहीं हुई, महीनों से पैसाली है, दुआ करें मैंने फसल उगाई है बारिश हो जाए। मूसा अलैहि सलाम ने जैसे हाथ उठाए बारिश की दुआ के लिए, एक शख्स आया भागा हुआ, कहने लगा मूसा मैं कुम्हार हूं, मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, बड़े दिनों से मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ पैसा आया मैंने मिट्टी खरीदी, अब उसके बर्तन बनाए हैं, धूप में सुखाने को रखे, दुआ करेंगे बारिश ना हो, बारिश हो गई तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। मूसा ने उठे हुए हाथ गिरा दिए। एक शख्स आया, कहने लगा मूसा मैं जो हूं नालियां बनाता हूं, और अगर आंधी तूफान आए, हवा के झक्कड़ चले तो मिट्टी उड़ जाती है और नालियां बनाने में आसानी होती है, आप दुआ करें किसी तरह आंधी तूफान चले ताकि नालियां बनना आसान हो जाए। मूसा ने जैसे हाथ उठाए आंधी और तूफान के झक्कड़ चलने के लिए, एक शख्स आया, कहने लगा मूसा मेरे बाग के तमाम दरख्त के फल तैयार हैं, अगर जरा सी भी हवा चली तो सारे फल दरख्त गिर जाएंगे और गिर के सड़ जाएंगे, आप दुआ करें कि हवा ना चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने उठे हुए हाथ गिरा दिए और फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू ही अपनी मसलहतों को समझता है। मुझे बताइए, अगर शहर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई शख्स मर जाए, दुश्मनों को भी अफसोस होता कि बेचारा मर गया, काश कि उसको अल्लाह की तौफीकात मिल जाती है, मुसलमान हो जाता या सही अकीदे में बढ़ता। लेकिन एक बात तय है, किसी के मरने पर किसी को खुशी हो या ना हो, कब्रिस्तान में मौजूद 3 दिन से फाके करने वाले गोरकन को जरूर खुशी होती है। माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद कोई मरा है, उसकी तदफीन के लिए लोग आए हैं, कब्र खोदूंगा तो 500 रुपए मिलेंगे, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर कोई ना मरे तो कोई और मर सकता है, अगर आप ना मरे तो गोरकन के बच्चे मर जाएंगे, तो किसी को तो मरना है। अगर आप मरीज ना हो तो डॉक्टर के बच्चे मरीज बन जाएंगे, कम खाकर या ना खाकर या फाके करके। तो ये हम लोगों की मुसीबतें, हम लोगों की, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कितना अफसोस होता है, दिल पे घूंसा सा पड़ जाता है,
कि थोड़ी सी गलती हो गई और एक्सीडेंट हो गया, और वही पिचकी भी गाड़ी लेकर आप जाए मैकेनिक के पास, उसके पिचके में दाल फूल के शुरू हो जाते कि चलो भाई क्लाइंट आ गया माशाल्लाह, एक हफ्ते की जो है वो लेबर मिल गई मुझको। तो किसी की मुसीबत और किसी की फजीलत, किसी का नुकसान किसी का फायदा, किसी की मौत किसी की हयात, यही है जिंदगानी, और इसी तरह जिंदगी को जारी और सारी रहना। तीसरा शुबा, खुदा ने तकदीर लिख दिया, दुआ का क्या फायदा, सब कुछ लिखा जा चुका, स्याही खुश्क हो गई, कलम टूट गए, अब मैं क्या मांगू अल्लाह से, मुझे बताइए नबी भेजने का क्या फायदा, बल्कि इंसानों के पैदा करने का भी क्या फायदा, अल्लाह को मालूम है कौन गुनाह करेगा कौन नेकी करेगा, कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा, अल्लाह वैसे ही भेज दे, जरूरत क्या है इंसानों को पैदा करने की, नबियों को भेजने की, और यहां को बातिल की मुबारकात करने की, करबला जैसे वाकयात को बर्बाद करने की, अल्लाह वैसे ही भेज देता और पैदा ना करता। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान अपने हाथों पैरों से आधा जवाबे से करके बताए, साबित करे, हुज्जत हुज्जत तमाम हो कि कौन क्या कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि तकदीर दो किस्मों की, तकदीर की दो किस्में, एक अजल महतूम जो हतमी है, अजल यानी तकदीर, महतूम यानी हतमी, जो लोहे महफूज में है और नाकाबिल तरमीम है, कुछ भी हो, आपकी मौत भी हो सकती है, आपका रिजल्ट भी हो सकता है, आपकी कामयाबी नाकामी एग्जाम में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हतमी है, इसको नहीं तब्दील कर सकते, आपकी दुआ भी नहीं तब्दील कर सकती, नबी की दुआ भी नहीं तब्दील कर सकती, जो लिख दिया वो लिख दिया। हाँ कुछ है चीजें जो तब्दील हो सकती है, और वो है अजले मौकूफ, जिसको मौकूफ किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, वो है लोहे महवे सिफात में, लोहे महफूज जो हमेशा के लिए महफूज कर दी गई, किसमें तब्दीली नहीं होगी। एक है महवे सिफात यानी जिसको महव इरेज भी किया जा सकता है, और सिफात यानी लिखा भी जा सकता है, दैट इज काबिले तरमीम, चेंजेबल, एमेंडेबल, उसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम हमको कि लौह महफूज में क्या लिखा हुआ है, लौह महवे सबाब में क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी उम्र लौह महवे सबाब में लिखी भी हो और आपका रिजल्ट लौह महफूज में लिखा हो, आपकी बीमारी लौह महफूज में हो और आपकी तालीम, या जिसे कहते हैं कि आपका हादसा जो होने वाला आपके साथ वो लोहे महवे सबात में हो, जब कहते हैं ना कि सदका जो है बल्लियात को दूर करता है, हादसा को दफा करता है, सिला रहमी आपकी उम्र को बढ़ाती है, रिजल्ट में इजाफा करती है, अगर वो रिजल्ट और उम्र लोहे महफूज में है तो फिर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो आदमी है, और लोहे महवे सबात में है तो फिर होगा ऐसा कि तब्दील हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमको मालूम नहीं कि हमारी या किसी को भी नहीं मालूम कि हमारी कौन सी चीजें लोहे महफूज में हैं, कौन सी लोहे महवे सबाब में हैं, इसलिए हम हर काम को इस नियत से करेंगे कि इससे हमें फायदा होगा, हम हर दुआ को इसलिए मांगेंगे कि ये दुआ कबूल होगी, हो सकता है जिस चीज के लिए हम दुआ मांग रहे हैं वो अल्लाह ने लोहे महवे सबाब में लिखी होगी। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि अल्लाहु मा यशाउ व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब, वो जिस चीज को चाहता है मैं कर देता है और जिस चीज को चाहता है शब्द कर देता है, और इसके पास लोहे महफूज है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इकसाम तकदीर की ऐसी भी है जो चेंजेबल है, जो तकय्युर पजीर है, जिनको तब्दील किया जा सकता है। चुनाचा अल्लाह ताला से मायूस ना हुई है कि अल्लाह ने जो लिख दिया सो लिख दिया, क्यों मानते हैं लैलतुल कदर में दुआएं, क्यों मानते हैं हम नीमे शाबान में दुआएं, इसीलिए कि हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारी इन दुआओं की बाबत अपना फैसला लोहे महवे सबाब में लिखा हो। अब मिसला होगा जब पुलिस स्टेशन जाते हैं गाड़ी की चोरी या किसी भी मसले के लिए, तो एक कच्ची एफआईआर होती है, और फिर दो तीन दिन बाद या कुछ अर्से बाद पक्की एफआईआर काट दी जाती है,
तो कच्ची एफआईआर के हो सकता हो कि आपकी गाड़ी नहीं जाए, आप घर पहुंचे तो गाड़ी खड़ी भी हो, किसी फोर गिफ्टर ने उठा ली हो मसलन। तो इसी तरह एक लोहे महबे सिफात है और एक लोहे महफूज है, हो सकता है आपकी दुआ से अल्लाह ताला आपकी तकदीर में लिखी हुई चीज को मिटाकर उसको दोबारा लिख दे किसी और अवतार से। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, फरमाते हैं खुदा ताला जिसको खुदा ताला को जिस चीज में बड़ा वाकई होता है वो उसके वाकई होने से कबल इससे आगा होता है। यानी अल्लाह ताला बज़ाओकात क्या भी देता है फिर बाद में तब्दीली भी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन के लिए बुलाया कोहे तूर पर, फिर कहा कि नहीं तुम 40 दिन ठहरो। इसका मतलब क्या हुआ, 30 दिन भी लिखे हुए थे 40 दिन भी लिखे हुए थे और यह भी लिखा हुआ था कि 30 दिन के बाद अल्लाह इस 30 दिनों की 30 दिनों के कयाम को 40 दिन की मियाद में तब्दील कर देगा। ये सब पहले से लिखा हुआ था कि आप बीमार होंगे दुआ करेंगे अल्लाह सेहत दे देगा। रिवायत में है कि तुम मांगो ताकि तुम्हें दिया जाए, देखो कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे खटखटाया जाए और वो दस्तक देने वाले के लिए खोल ना दिया जाए। एक मरतबा खटखटाता है कोई दरवाजे पर, आप नहीं जाते, बच्चे होंगे गली के तंग कर रहे हैं। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा फिर आप खोलते हैं, मोबाइल पे कॉल आती है आप नहीं उठाते, दूसरी तीसरी कॉल पे आप कहते हैं वाकई कोई परेशान है, अननोन नंबर अक्सर नहीं उठाए जाते, हो सकता है कोई परेशान हो। तो बार बार दरवाजा खटखटाने से, अल्लाह से बार बार मांगने से अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करता है। ये ना कहें कि मैं कितनी मरतबा अल्लाह से मांगू। चौथा शबा, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुसीबत दी है, मेरे रिजल्ट में कमी की है, किसी हादसे दूसरे दो चार किया है, तो ये दुआ तस्लीम और रिजा के मुनाफी है। मुझे चाहिए कुछ मुसीबत को तस्लीम करूं और उस मुसीबत को बर्दाश्त करूं जब तक अल्लाह खुद ना उठा ले। और इस मामले में बहुत सारी मिसालें भी देते हैं, मसलन अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने सब्र किया। तो याद रखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम या दीगर लोगों पर जो आने वाली मुसीबतें थी उनके बारे में उनको मालूम था कि यह आजमाइश है और हमें इससे छुटकारा नहीं, हमें इससे गुजरना है। जब हम अपने मकाम मर्तबा पर पहुंचेंगे अल्लाह हमसे राजी होगा। चुनाचा वो क्यों मांगते दुआ कि अल्लाह मेरी ये जो है आजमाइश उठा ले, हाँ ये दुआ मांगते थे कि उस पर साबित मदद रख। हदीस कुदसी है कि जो शख्स मेरी कज़ा पर राजी ना हो और मेरी आजमाइश पर सब्र ना करे और मेरी नियमतों पर शुक्र अदा ना करे उसे मेरी जमीन और मेरे आसमान से बाहर निकल जाना चाहिए और मेरे अलावा कोई और परवरदिगार ढूंढ लेना चाहिए। लोग इस हदीस को पेश करते हैं अपनी इस तनकीद पर कि हम क्यों दुआ मांग रहे मुसीबत के जाने की। वो कहते हैं अल्लाह खुद कहता है कि मुसीबत पे सब्र करो, अल्लाह खुद कहता है कि मेरी संतान से निकल जाओ अगर मुसीबत पे सब्र नहीं करना। तो ये दलील जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये उस लिए है कि जब अल्लाह ने आपके लिए किसी मुसीबत को आपकी आजमाइश करार दे दिया हो और उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते, मासूम या अंबिया कर सकते। चुनाचा जो भी मुसीबत आप पे आए आपको क्या मालूम कि अल्लाह ताला ने जो मुसीबत भेजी है ये उस वक्त तक के लिए जब तक खुद ना चली जाए, या अगर मैं दुआ मांगू तो ये कम हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर आप बिच्छू को डसने दीजिए, सांप को काटने दीजिए, प्यास को लगने दीजिए और भूख को बढ़ने दीजिए, कुछ भी ना कीजिए, अपने हाथ तक ना हिलाइए। बिच्छू आए आप उसको काटने दें, सांप आए उसको डसने दीजिए, लेकिन आप करते हैं उसे बचने की तकाबीर। भूख लगती है तो खाते हैं, प्यास लगती है तो क्यों पीते हैं, हो सकता है पानी प्यास ना बुझाए, हो सकता है खाना भूख ना मिटाए, लेकिन इस उम्मीद पर कि शायद मेरी तकदीर में लिखा हो कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो भूख मिटेगी। कुछ लोगों की नहीं मिटती, कुछ लोगों की प्यास भी नहीं मिटती, लेकिन कुछ लोगों की बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। मसलन एक शख्स डूब रहा था, उसने अल्लाह से मदद मांगी, एक शख्स आया उसने कहा कि मुझे हाथ दो मैं तुम्हें बचा लूं, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह मुझे बचाएगा और डूब गया। अगर रोते हुए अल्लाह के सामने हाजिर हुए, अल्लाह तूने मुझे बचाया नहीं, अल्लाह ने कहा बचाया तो था, उस शख्स को किसने भेजा था, मैंने तो भेजा था। तो जो वसीले के मुनकर है वो इसी तरह की सहूलियात को लेने से इनकार कर देते हैं
और फिर बाद में काफी अफसोस मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल नहीं। एक दफा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन दीवार के करीब से गुजर रहे थे जो गिरने वाली थी, जैसी गिरने लगी आप फौरन उससे दूर हटे। किसी ने कहा कि आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे, तो मौला ने कहा कि मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की रजा की तरफ भाग रहा हूं। अल्लाह चाहता है दीवार गिरे और अल्लाह ये भी चाहता है कि मैं इस गिरती हुई दीवार से अपने आप को बचाऊं। छोटे इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं बीमार हूं लेकिन नहीं चाहता कि दुआ करूं, नहीं बल्कि नहीं चाहता कि मैं दवा लूं, क्योंकि अल्लाह ने अगर बीमारी लिखी है तो ये रहेगी, कोई फायदा नहीं दवा लेने का। अगर सेहत लिखी है तो दवा का भी कोई फायदा नहीं। तो इमाम ने फरमाया शायद तुम्हारी तकदीर में ये लिखा हो कि दवा लोगे तो सेहत याब होगी। तो जब आपको नहीं मालूम आपकी तकदीर में क्या लिखा है तो वही कीजिए जिसका हुक्म दिया गया है, लिकुल्ले दाइन दवा, हर मर्ज के लिए दवा है। अल्लाह ने यह दुनिया असबाब के तौर पर पैदा की, असबाब और वसीले को इस्तेमाल कीजिए और अपनी मुसीबत परेशानियों को दूर कीजिए। याद रखिए कज़ा इलाही हर चीज के ज़हूर के सबब से वाबस्ता है। अल्लाह की मदद अगर आएगी तो किसी न किसी सूरत में तो आएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी तो अब अभी आई कि नहीं आई, तो वसीला पैदा होता है, वसीले को इस्तेमाल किया जाता है और फिर आपकी तकदीर में तब्दीली आती है। और यह भी याद रख लीजिए कि कोई दवा शफा नहीं देती अगर अल्लाह उस दवा में शफा ना दे। इसीलिए बाज़ औक़ात दवा से इंसान को नुकसान हो जाता है बल्कि मौत भी वाकई हो सकती है, और कुछ लोग दवा के बगैर भी ठीक हो जाते हैं। एक साहब थे, बाईपास का ऑपरेशन करवाने गए, चेक दिया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई चेक हम नहीं लेते, हम कैश लेते हैं। सुबह का वक्त था, ऑपरेशन 11 बजे होना था, कहने लगे कि भाई मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, कहने कोई बात नहीं आप कल आ जाइएगा, कल ऑपरेशन कर देंगे। वो चले गए, डिस्चार्ज हो गए। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, दो दिन गुजरते चले गए। मुसाब किसी को कहीं मिले डॉक्टर को, कहने आप आई नहीं, कहने मुझे तो कोई बीमारी नहीं। तो आपने देखा बस वक्त वैसी भी बीमारी ठीक हो जाती है, बस वक्त दवा दवा करते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती। तो याद रख लीजिए सबब मालूम हो जाए तो वो साइंस हो जाता है वरना तकदीर कहलाता है। एक और शुबा, अच्छा बारिश के हवाले से कहा जाता है कि बारिश बादल से होती है, बादल हवा से और हवा चीन से आती है। मसलन चीन ने क्या किया कि भाई इस बादल को कंट्रोल कर लो, बादल को कंट्रोल करके कहीं ले गए और उसमें बम्बारमेंट की लेजर की शुआओं से और बारिश करवा दी। कहने पढ़ लो नमाज इस्तिस्का, सियांग क्यांग के मुसलमानों से कहा कि देखो हम बारिश कर पाते, हम जो है वो तुम्हें पानी देते, हम तुम्हें बचाते। फिरौन ने भी बारिश करवाई थी ना, लोग आए थे कि फिरौन तू अगर बादशाह, तू खुदा है तो बारिश कर। रात भर दुआ की उसने कि अल्लाह मुझे मालूम है तू ही बादशाह, तू ही खुदा है, लेकिन क्या करूं मुझे खुदा बनने का शौक है, तू बारिश कर दे। अल्लाह ने बारिश कर दी थी। इस तरह चाइना और साइंसदानों के हाथों में भी बारिश की सलाहियत दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुदा की जगह ले ली। स्टीफन हॉकिंग एक जमाने में कहा करता था वी कैन रीड द माइंड ऑफ गॉड, हम खुदा का जहन पढ़ सकते हैं। अब साइंस ने तरक्की की, अभी दावा करता है हम कायनात का निजाम खुद चला सकते हैं। खुदा क्या चीज है, खुदा कुछ नहीं कर सकता, हम खुद करेंगे, कायनात का निजाम हम खुद चलाएंगे। और प्रोफेसर हिग्स बोसन क्या कहते हैं, हम कायनात खुद बना सकते। इन्होंने एक पार्टिकल दरियाफ्त किया, गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसन पार्टिकल, जिसके बारे में कहा जाता है यही वो पार्टिकल है जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई। अरे वो पार्टिकल तो है, इस पार्टिकल को कायनात बनाने के लिए लफ्ज कुन की जरूरत है, वो कौन कहेगा। तो इन लोगों के लिए अर्ज है कि सबब और है और मुसब्बिबुल असबाब और है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की चक्की में साइंसदान घूम रहे हैं, हर चीज का कॉज, कॉज ऑफ द कॉज, कॉज ऑफ द कॉज को तलाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन हमें अल्लाह का कॉज भी पता चल जाएगा, अल्लाह की हुए कहां से है, कैसा है, और फिर हम उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। नाउज बिल्ला सूप ऑफ द सूप ऑफ द सूप, क्या पिद्दी का शोरबा। स्टीफन हॉकिंग सुन लीजिए, Once upon a time there was Shaddad,
शद्दाद की स्टोरी नहीं सुनी तो सुन लीजिए कि उसने भी दावा किया था जन्नत बनाई थी, जन्नत देखना नसीब नहीं हुई। शद्दाद वही बच्चा था जिसकी माँ की रूह कब्ज की थी जिब्राइल ने, मलकुल मौत ने, और वही बादशाह बना और इतना बड़ा बादशाह बना कि खुदाई का दावा कर बैठा। स्टीफन हॉकिंग को 21 साल में डॉक्टरों ने कह दिया था ये पैरालाइज हो चुका है, ये मर जाएगा, और अल्लाह ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया कि इतना बड़ा साइंसदान बनाया, आज नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, उसमें मूवी बनी है पिछले साल, और उसी स्टीफन हॉकिंग ने दावा कर दिया अब हम खुदा की जगह लेंगे, हम कायनात को चलाएंगे। तो खुदारा आपसे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, आपसे बड़ी कौमें गुजरी हैं, सवाले की कौम को देख लीजिए, शद्दाद की शख्सियत को देख लीजिए, किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के। एंड मिस्टर हिग्स बोसन, यू गॉट द नोबेल प्राइज नॉट द पैराडाइज। हमारे लिए जन्नत ज्यादा जरूरी है बनिस्बत नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज मिलकर आपने ये समझ लिया कि मुझे सब कुछ मिल गया, जन्नत का परवाना और है और नोबेल प्राइज और है। याद रखिए कि खुदा के कुन कहने में और इंसान की कोशिश में बहुत फर्क होता है। एक हद तक तो आप चले जाएंगे इस कायनात के निजाम को चलाने के लिए, लेकिन हतमी तौर पे आखिर में खुदा ही के आगे आपको सजदा करना होगा। पांचवा शुबा, खुदा को सब कुछ मालूम है तो जबान से कहने की क्या जरूरत। हकीकत है खुदा को सब कुछ मालूम है और जबान से कहने की क्या जरूरत। अगर आपकी वालिदा या आपके वालिद किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको छुट्टी करनी हो तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे हुज्जत तमाम करने के लिए। हालांकि आपके अब्बू आपकी अम्मी प्रिंसिपल हैं, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे ताकि लोगों के सामने मसावात और बराबरी का मामला हो सके। खुद कुरान में फरमाता है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, यानी तुम समझो, दर्क करो, मारिफत हासिल करो, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है जो आसा है वो बड़े काम का है। अल्लाह को नहीं मालूम था, मालूम था। मोमिन रिवायत में मिलता है मोमिन खुदाए बुजुर्ग को बख्तर से अपनी हाजत तलब करता है और कुदरत उसकी दुआ और आवाज के इश्तियाक में ये कहती है कि अभी इसकी हाजत को ताखीर में डाल दो। इतना पसंद आता है उसको अल्लाह को उसका मांगना कि वो कहता है कि अभी नहीं, जरा देर में दे। बच्चा मांगता है ना अम्मी से, अम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, अम्मी नहीं देती, नहीं बेटा पहले मुंह हाथ धो कर, नहीं बेटा पहले होमवर्क करो, अच्छा बेटा तुम मेरी तारीफ करो फिर मैं तुम्हें दूंगी, अच्छा बेटा ठीक से मांगो फिर मैं तुम्हें दूंगी, अच्छा बेटा इधर आओ पहले मेरी गोद में बैठो आके, पहले मुझे फला चीज ला के दो। तो वो उससे खिदमत करवाती है और जब वो जिद करते करते थक जाता है फिर उसको प्यार आता है और उसको मालूम हो जाता है माँ को कि अब इसमें सकत नहीं, फिर वो उसको दे देता है। तो कहते हैं कोई बंदा, अच्छा इसका उलट भी होता है, कोई बंदा उससे दुआ कर मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं उसकी हाजत को जल्द पूरा करो। क्यों? कि अच्छा है? नहीं, क्योंकि मुझे उसका पुकारना बुरा मालूम होता है ना। मालूम बच्चे तंग कर रहे होते हैं, एक बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है, अम्मी गुस्से में कहती है ये लो जाओ दफा हो, अपनी शक्ल नहीं दिखाना। और ये दूसरा होता है, अरे बेटा उसको प्यार करती है, अरे बेटा तुम तो समझदार हो मैं तुम्हें दे दूंगी, जरा आराम से सबर करो, अभी गोश्त गला नहीं। तो जब वो खाता है पता चलता है तो बॉडी गली नहीं है, तो फिर पता चलता है कि अम्मी ने जो देर लगा रही थी वो सही लगा रही थी। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो बुरे शख्स को उसको दे देता है क्योंकि उसका मांगना कौवे की काएं काएं से कम नहीं, और जो अच्छा शख्स होता है उसकी चहचहाहट बुलबुल की कुकू से कम नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि वो मांगता रहे। हाँ अभी और बात है कि आपके और अल्लाह के दरमियान ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो और इश्को मोहब्बत का वो ताल्लुक हो कि आप जो है मांगते हुए शर्म मसलके इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूं वो भी खामोश है, उनको सब है पता इसलिए चुप में क्या हुआ आंख में गर नमी आ गई। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद अली। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उसका अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। सवाल का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका हुआ तो इस पर सवाल जवाब की निश्चित रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उसका अमल करने की तौफीक अदा फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह।